कागद दीप सभय करके अर सात समुन्द्रन की मस कह काट बना सपति सिगरी लिख बेहुक लेखन काज बने हाँ सारस्वती बकता करके जुग कोट गणेश के हाथ लिखे हाँ काल के पान बिना बिनती न तो तुमको प्रभु न कर काल कृपान बिना बिनती न तो तुमको प्रभु न कर सत्कार योग सत्संग योग वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अकाल उस्तत नाम की बाणी रची है जिसमें दीर्घ त्रिभंगी छंद के बाद 10 सवैये आए हैं जिन पर आजकल हम विचार साझे कर रहे हैं। हमने अब तक 8 सवैयों पर विचार किया, आज 9वें सवैये पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएंगे। 9वां सवैया है वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निपान सभे पछहारे भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत हैं अनछेद पुकारे रागन रूपन रेखन रंगन साकन सोगन संग त्यारे आद अनाद अगाध अभेख अद्वैख जप्यो तिन्ही कुल तारे आद अनाद अगाध अभेख अद्वैख जप्यो तिन्ही कुल तारे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसमें परमात्मा की प्राप्ति में असफल रहने वालों का चित्रण किया है। महाराज कहते हैं वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निर्पाण सबह पचहारे। गुरु महाराज जी का कथन है कि वेद पढ़ने वाले पाठी, पुराण पढ़ने वाले पाठी, कतेब का पाठ करने वाले पाठी, कुरान आदि का पाठ करने वाले पाठी इस अभेद परमात्मा के बारे पढ़ पढ़ कर हार गए हैं, पठन करते करते हार गए हैं। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निर्पाण सभय पचहारे भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। परमात्मा का भेद वे नहीं पा सके, भेद न पाए सक्यो अन भेद को, क्योंकि वो अनभेद है, उसका भेद प्राप्त करना संभव नहीं। इसीलिए परमात्मा के भेद को वो नहीं जान सके। भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत हैं अनछेद पुकारे। वो खिन्न हो गए, अप्रसन्न हो गए, दुखी हो गए, खेदत हैं, खेद हो गया उनको, और फिर वे अनछेद पुकारे। वे कहने लगे कि इसका भेद नहीं पाया जा सकता, ये अनभेद है, ये इसका छेद नहीं पा सकते, इसकी प्राप्ति करना संभव नहीं। भेद न पाए सक्यो अनभेद को खेदत हैं अनछेद पुकारे। रागन रूपन रेखन रंगन साकन सोवन संग तिहारे। ऐसे परमात्मा
जिसका कोई राग नहीं, जिसको कोई राग अर्थात मोह नहीं, कोई रूप नहीं, कोई उसका रेखा चित्र नहीं, न उसका कोई रंग है, न उसकी कोई शाख है, और वो शोक भी नहीं मनाता है, और उसका कोई साथी भी नहीं। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोगन संग तिहारे, ऐसे परमात्मा आद अनाद अगाध अभेक अद्वैख जपियो तिन ही कुल तारे, ऐसे आदि अनादि अगाध जिसका कोई भेद नहीं पा सकता, अभेक वो दृश्यमान भी नहीं दृष्टिविहीन है, उसको कोई देख नहीं सकता, अद्वैख वो किसी से द्वैख दोख नहीं रखता, ऐसे परमात्मा को जिसने जपा है, मनोयोग से जपा है, उसके कुल उसकी सारी उसका सारा परिवार तर जाता है, उसके सारी परिवार को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। आद अनाद अगाध अभेक अद्वैख जपियो तिन ही कुल तारे, उनके सारे कुल तर जाते हैं, वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस सवैये में दे रहे हैं। सवैया एक बार फिर, वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निरपान सभय पचहारे, भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे, रागन रूपन रेखन रंगन साकन सोगन संग तिहारे, आद अनाद अगाध अभेद अद्वैख जपियो तिन ही कुल तारे। सत्संगियों, आपने इस विचार का अवलोकन किया होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इन सवैयों में परम पुरख परमात्मा अकाल पुरख के प्राप्ति के संबंध में किए जा रहे सारे प्रयत्नों को रेखांकित करने का सफल कार्य किया है। तात्कालीन समय में जो परिस्थितियां थीं, उनके उदाहरण पेश करते हुए, प्रस्तुत करते हुए यह समझाने की कोशिश की है कि परमात्मा केवल प्रेमा भक्ति से प्राप्त हो सकता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो का सफल उदाहरण श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इन सवैयों में किया है। सत्संगियों, कल अंतिम सवैया, तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे, इस पर संक्षिप्त रूप से विवेचना होगी। उसके बाद 10 सवैये संपूर्ण होंगे। गुरु ने बख्शीश की सारे सवैयों के आखिरी विश्लेषण करने में समर्था बख्शी, आप जी का आशीष रहा, गुरु की कृपा हुई, ये सारे 9 सवैये आज संपूर्ण हुए। कल आखिरी सवैया है, इसके बाद 10 सवैये पूरे होंगे। आज यही विश्राम है, कल अगले सवैये पर, अंतिम सवैये पर विचार साझे किए जाएंगे। दास के इतने वचन परवान करो, हो या भूला चूका दी क्षमा बख्शो, फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।